डीआईजी जे रविंद्र गौर ने गोरखपुर रेंज के साइबर थाने का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में डीआईजी जे रविंद्र गौर ने बताया कि गोरखपुर रेंज का साइबर थाना का 2 वर्ष पूरा हो गया है, जिसका विस्तार भी हुआ है। यहां पर मंडल से आने वाले फरियादियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 2 सालों में साइबर अपराध में पैसा गंवाने वालों का लगभग 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करवाया जा चुका है। साइबर अपराध से बचाव के लिए सभी पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। मंडल के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क का भी स्थापना हुआ है। साइबर थाने से सभी जिलों के थाने का संपर्क है। प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा साइबर अपराध से जुड़े लोगों के समस्याओं का समाधान हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी जे रविंद्र गौर ने कहा, हम लोग करते हैं गोरखपुर रेंज के साइबर पुलिस स्टेशन का 2 साल हो चुका है। इसी आप ये मान करते कि ये वर्षगांठ की तरह है, सेकेंड ईयर अभी है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ऑफिस साफ़ सुथरा हो गया है, हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठने के लिए जगह हो गया है, और
बाहर से जो पब्लिक फरियादी आते हैं उनके लिए भी व्यवस्थित हो गया कि उनको बैठाने का, बात करने का, और अच्छा काम भी चल रहा है यहाँ। करीब 1 करोड़ तक का रिकवरी अभी तक इस साइबर पुलिस स्टेशन से कराया गया लोगों को। हम लोग लगातार पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क का भी स्थापना हुआ है, उससे भी इस पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेशन है पूरे रेंज के सभी थानों से। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास अप्रोच करें, उनकी अगर कोई साइबर फ्रॉड के संबंधी जो भी समस्या है उनका समाधान अच्छे से हो सके। देखिए, साइबर अपराध में नहीं फंसने के लिए हम लोग समय समय पर जागरूक करते रहते हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं लोग, कुछ लोग लालच में आ जाते हैं। अगर कोई लालच में आ भी जाता है तो तत्काल हमें सूचित करें। जितना जल्दी हमें सूचित करेंगे उतना बचत है, उनके जो पैसे हैं उसको हम लोग होल्ड करा सकते हैं, उनको वापस दिला सकते हैं। तो बिना किसी समय गवाते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दें, या साइबर पुलिस स्टेशन हमारा जो है यहाँ सूचना दें, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी। तत्काल सूचना के लिए ही प्रत्येक थानों में हम लोगों ने साइबर हेल्प डेस्क का स्थापना भी किया है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ये हमारा अपील रहेगा पब्लिक के लिए।